हेयर पैच के बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की कैसे बनाएं? हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास हमारी क्वेरी आती है और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोस के कमेंट्स में ये चीज जरूर पूछते हैं कि जो पैच के बाल हैं उनको सॉफ्ट एंड सिल्की कैसे रखें। सो आज की वीडियो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन मल्होत्रा एंड वेलकम टू मल्होत्रा हेयर प्लेसमेंट। हेयर पैच में होता क्या है, होते तो ये नेचुरल बाल हैं लेकिन ये डेड बाल होते हैं। इन्हें कुछ ब्लड की सप्लाई तो मिल नहीं रही हमारे नेचुरल बालों की तरह कि ये सिल्की स्मूथ रहे, तो इसमें हमें शैम्पू कंडीशनर करके वॉश करके इनको साफ सुथरा रख के हमें इनमें शाइन और सॉफ्टनेस मेंटेन करनी पड़ती है। शैम्पू कंडीशनर करता तो हर कोई है लेकिन उसका प्रोसीजर क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो अभी हमारे पास ये एक हेयर पैच है, आप देख सकते हैं ये कितना गंदा हो रहा है। अभी हम इसको शैम्पू कंडीशनर करके वॉश करने वाले हैं एंड आप उसके बाद देखें कि पैच के बाल कितने सॉफ्ट हो जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने मग्गे में थोड़ा सा पानी लेके उसमें आपने शैम्पू का घोल बनाना है। शैम्पू आप एक पाउच जितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करके पानी में अच्छे से शैम्पू का घोल बना लें। शैम्पू का घोल इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब हम डायरेक्टली शैम्पू लगाते हैं पैच पे तो शैम्पू नेट में पैच की नेट में फंसा रह जाता है, तो अगर आप घोल बना के यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से फैल जाएगा। शैम्पू का घोल अच्छे से सर पे डालने के बाद अच्छे से उसको फैला लें। उसके बाद ब्रश लेके, ये हेयर ब्रश हम अपने सारे क्लाइंट्स को देते ही हैं, बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जो भी आपका सर्विस सेंटर है वहाँ से मांग सकते हैं, नहीं तो कॉस्मेटिक की शॉप पे भी मिल जाएगा। वाइड टूथ ब्रश कहते हैं इसे, तो आप ये चौड़े वाले ब्रश से अच्छे से कंघी करें। पानी डाल डाल के अच्छे से सारा शैम्पू कंघी करते करते सारा शैम्पू साफ कर लें। उसके बाद कंडीशनर की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, दो पाउच जितना कंडीशनर आप यूज करें। बहुत लोग क्या होते हैं कंडीशनर बहुत कम यूज़ कर लेते हैं तो उसका असर पैच पे दिख नहीं पाता, तो आप कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करें ताकि उसका पैच के बाल उसको कंडीशनर को एब्जॉर्ब कर लें और अच्छे से उसका रिजल्ट आ पाए। ब्रश से कंडीशनर से अच्छे से कंघी करने के बाद पानी के साथ साथ सारा कंडीशनर भी निकाल लें। इससे क्या होता है आपके बालों में गांठ भी नहीं लगती, बाल अच्छे से साफ भी हो जाते हैं और सारे बाल अच्छे से खुल भी जाते हैं। उसके बाद अपना टॉवल से आप अच्छे से सारा पानी सोख लें। आपने रगड़ना नहीं है, अच्छे से अपना आराम आराम से पोंछ के ड्रायर से सारे बाल सुखा लें। आप देख ही सकते हैं बाल अब कितने सॉफ्ट और सिल्की लग रहे हैं, पहले पैच कितना गंदा हो रखा था। हमने किया कुछ नहीं है, नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर यूज़ किया है। बाकी इसमें पैच में एक केमिकल भी आता है, बहुत लोग कंडीशनर अगर नहीं यूज़ करना चाहते या कंडीशनर से एक लेवल ऊपर का रिजल्ट चाहते हैं तो वो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस, ये आप आफ्टर का रिजल्ट देख सकते हैं पैच का, बाल कितने सॉफ्ट हो गए, बाल कितने खुल गए हैं। आप इसमें सिरम विरम लगा के अपना सेट करें और शैम्पू कंडीशनर में आप हर दूसरे दिन अपना कंडीशनर कर सकते हैं। शैम्पू आप हफ्ते में दो बार कर लें, कंडीशनर तीन बार कर लें, या कंडीशनर करते टाइम आप हर बार शैम्पू भी कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। सो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लें, जैसे बहुत लोगों का होता है क्या फील्ड वर्क ज्यादा होता है उनका पैच ज्यादा गंदा हो जाता है तो वो शैम्पू कंडीशनर दोनों करें तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको लगता है कि आपका पैच ज्यादा गंदा नहीं हुआ है
तो आप अपना सिर्फ कंडीशनर भी कर सकते हैं। बाकी शैम्पू कंडीशनर करते टाइम आपने यही चीज ध्यान देनी है कि कंडीशनर की क्वांटिटी आपने थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है। बहुत लोग क्या होता है कंडीशनर कम यूज कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट आ नहीं पाता, और शैम्पू कंडीशनर आप हफ्ते में अपना 2-3 बार करें अपनी जरूरत के हिसाब से, आपका पैच के बाल बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की रहेंगे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते हमारी हेयर पैच से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।